दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि बहुत सारी ट्रेन में अलग अलग कलर्स के बोगी यूज किए जाते हैं, जैसे कि नीले रंग के डिब्बे, भूरे रंग के डिब्बे और लाल रंग के डिब्बे। देखिए, जो नीले रंग के डिब्बे होते हैं उन्हें ICF कोच कहते हैं और जो लाल रंग के डिब्बे होते हैं उन्हें LHB कोच कहते हैं। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है और दोनों कोचेस की क्या क्या क्वालिटीज होती है? वेलकम टू साइड नॉलेज 2.0, मकसद रेल जानकारी। देखिए, ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और LHB का मतलब होता है लिंक हॉफमैन बस। देखिए, ICF कोच स्टेनलेस स्टील की बनी रहती है, इसीलिए इसका वेट भी काफी होता है। ICF कोच भारत में 1952 से लेकर 2018 तक बनाए गए थे। इनकी फुल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक होती है और इनकेस अगर इन कोचेस का एक्सीडेंट हो जाए तो ये ट्रेन के कोचेस एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। वहीं बात करें LHB कोचेस की, तो ये माइल्ड स्टील से बनी होती है, इसलिए इनका वेट ICF कोच के कंपैरिजन में उससे हल्की होती है। ये कोचेस भारत में 2000 में जर्मनी से इंपोर्ट करवाई गई थी। इनकी हाईएस्ट स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, इसलिए इन कोचेस को ज्यादातर सुपर फास्ट ट्रेन और हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन में यूज किया जाता है। इनकेस इन कोचेस का एक्सीडेंट हो जाए तो ये एक के ऊपर एक चढ़ते नहीं है बल्कि साइड में पलट जाते हैं, जिससे जान माल का खतरा भी कम बना रहता है। बाकी आपने कभी वंदे भारत में सफर किया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।